आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर शिव की नगरी बनारस में भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नई दिल्ली, वाराणसी, पटना और वहां की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें झंडेवालन मंदिर की भी आप देख पा रहे हैं। तो विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में, वहां पर आसपास किस तरह का माहौल है, कैसा नजारा है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। आज महाशिवरात्रि है, यानी आज के दिन जो है वो पूरे देश में महादेव के देवालय में उत्सव मन रहा है, क्योंकि शिव और पार्वती के विवाह का भी आज का दिन है। काशी में अगर हम दिखाएं तो हर तरफ आपको तमाम जो है वो भीड़ नजर आ रही होगी और लोग जो है वो दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है। और इनके लिए यहाँ पर अगर हम इधर दिखाएं तो पुलिस की एक चाक चौबंद और लंबी व्यवस्था की गई है, जो तमाम लोग जो है, बहुत से श्रद्धालु लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनके साथ है। हमारे साथ एसीपी, हम उनसे जानेंगे कि किस कितनी भीड़ है और किस तरीके की व्यवस्था आप लोग। देखिए, अभी तक जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं लगभग यहाँ पर अब तक 2.25 लाख लोगों ने दर्शन कर लिया होगा। भीड़ का आलम यह है कि अब की बार की जो व्यवस्था है पिछली बार से ज़्यादा बेहतर होने की वजह से अभी उतना अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है और लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, लोकल पुलिस की तरफ से जितने भी उपयोग इस बार किए गए सारे अभी तक सफल हो रहे हैं। ये सब महादेव की कृपा से ही हो रहा है, इसमें हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं। अभी पूरे दिन भर चलेगा बहुत लोग, और शाम को शिव बारात में भी पूरी व्यवस्था। हाँ बिल्कुल, शिव बारात के लिए भी तैयारी बराबर की गई है और दिन भर ये जो चलेगा इस कार्यक्रम के लिए पूरी तरह से पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है। तो पुलिस हर जगह लगी हुई है और अगर हम इधर दिखाएं तो एक बड़ी संख्या में लोगों की लाइन लगी हुई है, जो एक क्रमबद्ध तरीके से लोग जो है वो हर हर महादेव का नारा देते हुए चले आए। कहाँ से आई है? आंध्र से आएगा। आंध्र से आए, विशाखापट्टनम से आया है दर्शन करने के लिए शिव का। अच्छा, कब से लाइन में लगा था? सुबह से। सुबह 2 घंटा। 2 घंटा से लाइन में लगा। तो एक 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 आप देख सकते हैं कि ये है और हर जगह जो है वो एक तरीके का जो है लोगों के अंदर एक उत्साह है, जुनून है, क्योंकि आज उनके अपने आराध्य का जो है वो उनका जो है वो आज शिव और पार्वती का विवाह है, जहाँ पर कि हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। लोग जो है वो लगाते हुए जा रहे हैं, माथे पर गंगा स्नान किया है, गंगा स्नान करने के बाद अब गंगा का जल लेकर के जलाभिषेक करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो दशा समेत घाट से निकल करके इस तरफ अगर आप देखेंगे तो लाइन से लोग जो हैं वो अपने हाथ में जो है बेल, धतूरा और ऐसी तमाम चीज़ें लेकर के लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और आज करेंगे। और यही नहीं है, पूरे दिन भर जो है इस तरीके से आज महादेव के तमाम जितने भी मंदिर हैं, देवालय हैं, वहाँ पर जो है उनके इस तरीके से लोग जो है हर हर महादेव के साथ जो है क्या बोल रही थी, बम बम भोले। आज शिवरात्रि, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। तो ये एक एक लोगों के अंदर का जो है आज अपने आराध्य के प्रति का उत्साह है, लोग जो है बम बम भोले बोल रहे हैं। इधर भी जो है बम बम भोले का गूंज रहा है नारा सबका, बम बम भोले कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग हैं। तो आज शिवरात्रि के दिन आज शिव पार्वती का विवाह है और शाम को उनकी नगरी काशी है, लिहाजा यहाँ के कण कण में शिव हैं। और शाम को आज का जो इसका उत्सव होगा वो अपने तरीके का भव्य होगा जब शिव बारात निकलेगी, लेकिन फिलहाल अभी लोग गंगा स्नान करने के बाद दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।